तो आज मैंने अटेंड किया है दो दो शादी, एक साउथ इंडियन और एक नॉर्थ इंडियन। तो ये आम आदमी पार्टी वाले कहाँ से आ गए गाइस अपने घर में, इनको निकालिए यहाँ से। हाँ? माफ कर दो हमको गाइस, ये कल नहीं परसों से ही मेरे पीछे पड़ी है, हमको मेहंदी लगाना चाह रही है। सुबह सो के उठे और खुशखबरी मिल गई, अब शादी में जाने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रही है। अभी आधे घंटे मतलब आधे दिन का टाइम हम लोग के पास, लेकिन लगता है कि वो साउथ इंडियन शादी है तो सुबह में ही हो रही है वो। नहीं नहीं पता लगा रात में ही है, बहुत गाड़ियां खड़ी हैं। तो गाइस आज बाल धो दिए बहुत जोर से आज बाल धोए, 3-4 बार धो दिए तो एकदम बाल मेरा सिल्की सिल्की हो गया। यही बाल धोई है, तुम्हारा बाल सिल्की हुआ कि नहीं? तो ये घुंघराली बाल वाली है, इसको कर्ली नहीं कराना पड़ता, इसका ऑटोमेटिक बाल मतलब भगवान कर्ली करके भेज दिए हैं, इसके हेयर ड्रायर मतलब करके भेजे हैं। ड्रायर ड्रायर नहीं होता, सॉरी क्या होता है, रोल करने वाला क्या होता है, मतलब ऐसे वाले स्प्रिंग बना के भेज दिए हैं। और तब तक पापा जी भी आ गए इतने में सफारी पे, इनके सफारी पे। तो ये आम आदमी पार्टी वाले कहाँ से आ गए गाइस अपने घर में, इनको निकालिए यहाँ से। आम औरत आम औरत पार्टी, ए हाथी नहीं है, हम वो मायावती वाले नहीं है, हमको मायावती की ओर से बता रही है, अगर ये हाथी को पीटने आए हम कमल वाले, कमल कमल खिलेगा, कमल समझी, हाथ वाले हमको। गाइस ये कल नहीं परसों से ही मेरे पीछे पड़ी है, हमको मेहंदी लगाना चाह रही है। तुम्हारा सेटअप खराब हो जाएगा, हम नहीं मेहंदी लगवाएंगे, लेकिन यहाँ कौन मेहंदी यहाँ लगती है ना, तो टैटू बना रही हूँ ना, लड़की थोड़ी है आप, जब शादी होगी तब वहाँ आपके मेहंदी लगेगी। अगर बेकार बना इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे कि तुम्हारे 36 पुश्त नमस्ते करेंगे तुमको। अरे जल्दी बनाओ, कितना टाइम लग रहा है, हल होता जैसा लग रहा है, पीछे वाले लिली जैसा, लिली इतना ब्यूटीफुल लिली, और ये तुम्हारे लिली है कि ट्यूलिप है, क्या है वो, बम चिकरी है, टैटू है ये, जल्दी धो इसको भी चढ़ जाएगा। टी शर्ट मेरा हंस रही है, ये कौन पोछेगा, इतना मेहंदी बर्बाद क्यों करवाया फिर, तुम की है कि हम की है, आप की है, हम नहीं की, तुम की, गाइस ये गबरू है गबरू। तो गाइस अभी आ चुका है हमारा कुर्ता पजामा, नॉट काला काला, इट्स कौन सा कलर है, माइक्रोवेव के कलर का मेरे देखो इसी के कलर का है, थोड़ा सा ये ज्यादा डार्क है लेकिन फिर भी सिमिलर है थोड़ा सा तो जा रहा हूँ मैं भाई तैयार होके, और ये आ गया भाई मेरा जूता 500 में। तो अभी यार गाइस मैं आ चुका हूँ नॉर्थ इंडियन शादी में, कुछ ऐसा दिखता है इसका एंट्रेंस। और अंदर जाते ही यार मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पर यार वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ थी, इतने लोगों के यहाँ शोर मचे हुए थे कि मेरी आवाज उसमें गायब भी हो जाती यार, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा था। और यहाँ पर मिल गया मुझे कुछ दोस्त चाउमीन वगैरह खाते हुए, जो कि मेरे पड़ोसी हैं, वैसे इनकी चाउमीन को देखकर मैं भी निकल गया यार चाउमीन की लाइन में लगने, लेकिन यार यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि यार हाथ पसारे 10 मिनट से भी ज्यादा टाइम निकल गया, उसके बाद जाके कहीं मुझे मिला मेरे चाउमीन का प्लेट। और इसे खाते यार मेरे साथ तो अनोखा ही हो गया, मुझे मिल गए आज मेरे बचपन के दोस्त, ये भाई मेरे साथ LKG UKG में पढ़े हुए बच्चे हैं ये, वैसे इनसे मिलने के बाद मैं तो फटाफट से निकल गया इस भीड़ के झोंके में से और आ गया अपने घर पर, क्योंकि भाई मुझे एक और शादी अटेंड जो करनी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो अभी यार गाइस मैं आ चुका हूँ साउथ इंडियन शादी में, और इसका एंट्रेंस भाई अब ये इतना ब्यूटीफुल हो भी क्यों ना, क्योंकि यार शादी जिसकी हो रही है वो तो IAS है ना, और केवल एक नहीं दोनों IAS है, लड़की भी IAS लड़का भी IAS, तो यार जलवा तो होगा ही। देखो क्या खतरनाक यहाँ पे व्यवस्था हुई पड़ी है, एकदम तगड़ा लग्जरी। और भाई यहाँ पर तो दिल कर रहा है कि कहाँ बस अपने फोटो ही खिंचवा लूं, इतने बढ़िया टेबल। और यार खाने में तो यहाँ पे मुझे पहली बार शादी में दिखा पाव भाजी, जो कि बहुत ही मस्त था। वैसे खाना पीना खाने के बाद मैं निकल लिया यार जयमाल सिस्टम देखने के लिए, और यहाँ पर मैंने देखा कि IAS से IAS की शादी होती है तो क्या माहौल होता है। और यार ये साउथ इंडियन लोग, मैं तो सोच रहा था कि वो धोती पहन के, वो जो ऐसे धोती नहीं पहनते और टीका लगा के आते हैं वैसे लोग आएंगे, लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल अपने साइड के लोगों के जैसा यार इनका गेटअप था, बात तो सही है। और फिर उसके बाद यार हम लोग वहां से भी निकल लिए, लेकिन यार मजा बहुत आया यहाँ पे। वैसे आप लोगों को कौन सी शादी बेस्ट लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं खत्म, बाय बाय।